हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैच विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। और वो है, जैसा आप लोग जानते हो, आपने कल की क्लास देखी होगी, उससे पहली क्लास देखी होगी, इवनिंग में 6 बजे अपना लेक्चर आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि अपना क्वाड्रिलेटरल जो चल रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के मैं आपको 3 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ स्क्वायर के बारे में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रेक्टेंगल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, और क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रोम्बस या समचतुर्भुज के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा, हमारा पढ़ने का तरीका हमेशा ये होता है कि हम लोग जो भी पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे हमेशा, और हमेशा पॉइंट वाइज हम लोग लेकर चलेंगे। और पॉइंट वाइज अगर आप लोग लेकर चलोगे तो फिर वो चीज़ें याद भी रहती हैं, और जो भी कुछ हमें प्रूव करना होता है वो हम लोग प्रूव भी करेंगे इसमें। पहली बात कि रोम्बस या समचतुर्भुज होता क्या है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स हों, चारों इक्वल होंगी, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ध्यान रखना, कल जो स्क्वायर पढ़ा इवनिंग में, उसका आज अगला जो स्टेप है वो अपने पास है। ये इस प्रकार से अपने पास है कोई भी रोम्बस, चारों साइड इक्वल तो होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। जैसा आप लोगों को पता है कि अपनी जो पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी, जैसा हम लोगों को पता है, ध्यान रखना, इसके दोनों जो डायगनल्स होते हैं वो विकर्ण, दोनों जो डायगनल्स होंगे, मैं पहले आप लोगों को ये समझा देता हूँ आज पहली प्रॉपर्टी। वैसे तो डायगनल्स के लिए लिख रहा था मैं, लेकिन पहले ये समझा देता हूँ। याद रखना, ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी, और ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये बीच वाला अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं एस 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 से सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं एस 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 से सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, और ये वाला एंगल अगर अपने पास इधर वाला भी, ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। एक्स इसलिए होगा क्योंकि अपने पास इसके दोनों साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये, और इसके सामने का कोण ये बराबर, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर, और एस 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 से सर्वांगसम दोनों पहले ही हो गए, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो पहला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। डायगोनल जो होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये आप लोग कंप्लीट लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले कंप्लीट पॉइंट लिख लेना आप लोग। डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, विकर्ण जो होगा वो कोण समद्विभाजक भी होगा। पहला पॉइंट ये आप लोग लिख लेना। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, देखो ध्यान दो, ये अपने पास अगर एंगल बाइसेक्टर है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है, या परसों की क्लास में, उससे पहले कभी ना कभी बताया होगा, पिछले 2-3 दिन की जो क्लास है उसमें अगर आपने मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू अगर देखें, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं तो वो वहाँ पर बना कोण 90 डिग्री होता है। क्यों होता है ये चीज़ भी मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने आपको लाइन में भी समझा दिया था ये, जब लाइन और एंगल बताया था कल, जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने की शुरुआत की थी तब भी मैं ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो एंगल बाइसेक्टर मैंने लिखवाया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इसके जो दूसरा डायगोनल, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होता है। और ध्यान रखना, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसकी लाइन पैरेलल तो होती हैं, समांतर चतुर्भुज की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और अपोजिट जो लाइन है वो पैरेलल भी होती हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन होने पर इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे कोण 90 डिग्री। दोनों लाइन पैरेलल हैं, अपोजिट इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं तो कोण 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं D1 और D2 बराबर नहीं होते, ये देखने पर भी आपको पता लग रहा है, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे ये देखने पर भी हमें पता लग रहा है, लेकिन साथ ही ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं।
परपेंडिकुलर ध्यान रखना, अपने पास रोम्बस में और स्क्वायर में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसा आपको पता है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम था उसमें एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे, और बराबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में ये इक्वल नहीं होते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए, तो पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाते चलूंगा। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में जो है अपने पास, जैसा हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तीन नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है। ध्यान रखना, रोम्बस का कोई भी एक जो डायगोनल होगा, इसका जो एक डायगोनल होगा चाहे कोई सा ही हो, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसका कोई सा भी चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, वो क्षेत्रफल को समद्विभाजित करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। डायगोनल जो होता है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर तो होता ही है ही है, जो विकर्ण होता है वो क्षेत्रफल को भी समद्विभाजित करता है, डायगोनल जो होता है वो एरिया को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आप लोग याद रखना। क्यों करता है? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर, एस 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 से सर्वांगसम हो गए, और एक बार दो ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो गए तो फिर सब कुछ बराबर, ये आपको पता होगा। तीसरा, क्षेत्रफल सर्वांगसम होने पर क्षेत्रफल परिमाण सब कुछ बराबर होता है, जो कुछ आप लोग सोच सको। तीन नंबर जो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, चार नंबर पॉइंट ध्यान रखना, इसके जो दोनों डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो दोनों डायगनल्स इक्वल तो नहीं होते, लेकिन जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये इधर d1 बाई टू है, इधर भी d1 बाई टू होगा, और ये इधर अगर d2 बाई टू है तो इधर भी अपने पास d2 बाई टू होगा। दोनों डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब बात ये है कि समद्विभाजित क्यों करते हैं, ये साथ साथ लिखते चलना। जब भी मैं कोई भी पॉइंट लिखूं, अपनी नोट बुक और पेन आप लोग साथ रखना और साथ साथ लिखते चलना कि तीसरे नंबर पॉइंट ये है, चार नंबर पॉइंट डायगनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। पॉज कर लो और साथ साथ लिखते चलो, ताकि अगली बार वीडियो नहीं देखना पड़े, आपकी नोटबुक ही पढ़नी पड़े। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जिस टाइप से मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, एक साथ जो है किसी भी बुक में या नोट्स में आप लोगों को नहीं मिलेगा कि स्क्वायर या रोम्बस एक जगह मिल जाए ताकि मैं उसको पढ़ लूँ, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए पॉइंट लिखते चलना, देखो क्यों होता है और साथ क्यों का इनका जो जवाब है बेसिक पूरा है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह नहीं मिलेंगी। ये चारों साइड्स बराबर होती हैं, यहाँ से इसको मिला दिया जाए और तो ये वाला जो एंगल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, और ऐसे इसको इससे मिला दें तो ध्यान देना एक बार, मैं आपको समझाने के लिए इसको हटा रहा हूँ, ये वाला कोण अगर अपने पास मान लो वाई है तो ये वाला कोण भी वाई होगा, वाई थीटा, थीटा और वाई दो कोण बराबर हो गए, और एक साइड इसलिए बराबर हो गई क्योंकि रोम्बस की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या डबल ए एस से, और ये ए ए एस सर्वांगसम था, और ये ट्रायंगल में कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा ये वाला वीडियो अगर देख रहा है तो आप लोग पहले वाले वीडियोज़ जो ट्रायंगल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको कंप्लीट देखिए, उसको आपको सही चीज़ें समझ में आएगी। अब अचानक अगर देखोगे कि सर ए ए एस क्या लिख दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपका बेसिक ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग पहले वाले वीडियोस नंबर लेसन नंबर 1 से शुरुआत कीजिए, और अभी तक हमारे 15 या 16 लेसन हो चुके हैं, तो आप लोग डेली सिर्फ और सिर्फ एक ही लेसन देख सकते हो या दो लेसन देख सकते हो, दो से ज़्यादा मत देखना, क्योंकि मेरे 40 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें काफ़ी सारा कंटेंट होता है, तो आप लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें देख लोगे तो आपकी मिक्स हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग रेगुलर और अगर इन वीडियोज़ को देखते हो, रेगुलर अगर देखते हो तो आपके समझ में आ जाएगा 100%। लेकिन ऐसे नहीं एक दिन में 5 वीडियो आपने खत्म कर दिए, अगले दिन 7 और कर दिए, अगले दिन 9 और कर दिए, ऐसे नहीं। आप एक या दो वीडियो देखोगे तो ही ज्योमेट्री इनसे आपको समझ में आएगी। तो यहां पर देखिए दोनों सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम होने के बाद बची हुई साइड बराबर, क्षेत्रफल बराबर, सब कुछ बराबर होता है, तो ये वाली साइड फिर इसके बराबर होगी और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी। तो ध्यान रखना इस प्रकार से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखना,
अगला जो पॉइंट है, पांच नंबर पॉइंट अपने पास इसका, ध्यान, ये आसानी है, ये आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो पॉइंट अपने पास, यहाँ से इसको मिला दिया जाए और यहाँ से अगर इसको मिला दिया जाए, दोनों जो डायगनल्स होते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि एक डायगनल जो होगा वो एंगल को, अपने पास एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और मैंने दूसरा पॉइंट ये भी समझाया कि यहाँ से डायगोनल मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, तो मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है तो मीडियन जो होती है, ये मीडियन का काम करेगी, इस ट्रायंगल ए बी सी और डी अगर नाम दूँ तो इस ट्रायंगल ए डी सी के लिए मीडियन का काम करेगी, और मीडियन का काम करेगी तो 1/4 और 1/4, इधर से डायगोनल जो होगा मिड पॉइंट पर मिलेगा, मीडियन का काम करेगा तो 1/2 पहले हो चुका है, आधा आधा करोगे तो 1/4 1/4, ध्यान रखना, इस पॉइंट को ओ मान लो, तो जो दोनों डायगोनल जहाँ पर मिलते हैं वो इसके क्षेत्रफल को, रोम्बस के एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ये पॉइंट था अपने पास पांच नंबर। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 6। जैसा आप लोगों को पता है कि रोम्बस के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, अंदर की तरफ, पॉइंट नंबर 6 अपने पास ये, इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो ए बी सी डी, कोई भी रोम्बस है और इसके अंदर कोई पॉइंट है ओ, ध्यान रखना, अगर हम लोग इनको मिला दें, ओ से ए को मिला दें, ओ से बी को मिला दें, ओ से सी को और ओ से डी को, ये ध्यान रखना डायगनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है अंदर कहीं भी, तो इनको अगर मिला दिया जाए और आप लोग ये चीज़ याद रखना, अगर इसका क्षेत्रफल अपने पास A1 है, इसका क्षेत्रफल अगर A2 है, इसका क्षेत्रफल अगर A3 है और इसका क्षेत्रफल अगर A4 है, तो A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, A2 प्लस A4 के एरिया के बराबर होता है, A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल A2 प्लस A4 के एरिया के बराबर होगा, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर अंदर कोई भी पॉइंट है तो A3 का क्षेत्रफल A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आसान सा है, क्यों होगा ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, थोड़ा आसान है, फटाफट मैं फिर से बता देता हूँ क्यों होगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल अगर यहाँ से इसकी हाइट माने हम लोग H1, इसकी हाइट अगर H1 माने और ऊपर वाले इसकी हाइट अगर माने हम लोग H2, ये A1 है, इसकी हाइट इधर माने H2, जो क्षेत्रफल A1 है, तो ध्यान रखना आप लोग A3 का जो क्षेत्रफल होगा, ये साइड A मान लो, अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो आप लोग यहां पर मान सकते हो A3 का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस तो A है और हाइट H1, और A1 का जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ इंटू बेस तो वही A है, सी ओ डी ट्राइंगल के एरिया, ये ट्राइंगल है, ए ओ बी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे सी ओ डी भी ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन दोनों को अगर ऐड कर दें A1 प्लस A3 तो हाफ अपने पास कॉमन आ जाएगा, हाफ है, अंदर बचेगा H1 प्लस H2, और H1 प्लस H2 को हम लोग इसकी हाइट भी लिख सकते हैं H1 प्लस H2 को इसकी हाइट, तो ये आ गया हाफ इंटू A इंटू H, इन दोनों का क्षेत्रफल, ध्यान रखना आप लोग ये पॉइंट याद रखना कि कंप्लीट का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, इसके कंप्लीट के एरिया के अपने पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे बेस इंटू हाइट भी होता है, तो बेस यहाँ पर A माना तो एरिया हो गया A इंटू H, अपने पास एरिया का फॉर्मूला दोनों साइड्स दिए हुए तो A² sin θ, अगर अपने पास एरिया का फॉर्मूला हाफ D1 D2 भी होता है, लेकिन ये मैं आपको क्योंकि मेंचुरेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं मेंचुरेशन नहीं पढ़ा रहा, तो D1 D2² plus D2² बराबर 4 × side² और वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बाद में करूँगा, यहाँ पर मैं आपको इसकी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ये काम में आगे इसलिए एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना है फॉर्मूले आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका मेंचुरेशन उसमें से सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, तो इसका कंप्लीट एरिया होगा यहाँ पर A इंटू H और इन दो का क्षेत्रफल है हाफ A इंटू H, तो बचे हुए दो का क्षेत्रफल भी वही बचेगा अपने पास हाफ A इंटू H, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, यही मैंने लिखा है, चारों में से कोई तीन देकर चौथा आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कहेगा ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 10 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, 10 और 8 18, तो 6 में क्या ऐड करें कि 18 आए, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 12, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 7।
सात नंबर पॉइंट आप लोग देखना, पॉइंट नंबर सेवन में अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक कोई भी अगर अपने पास रोम्बस है, कोई भी समचतुर्भुज अगर अपने पास है ए बी सी और डी, इस प्रकार से अगर कभी भी लिखा हुआ है किसी भी रोम्बस में, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से एक इस बेस को लेकर इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल, जरूरी है मिड पॉइंट है, ध्यान रखना कहीं भी हो सकता है, तो ध्यान रखना इसका जो क्षेत्रफल होता है वो टोटल के एरिया का हाफ होगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से अगर कभी भी कोई सा भी बेस लेकर, चाहे नीचे वाला कोई सा भी बेस लेकर एक ट्राइंगल अगर बना दिया, तो इसका क्षेत्रफल टोटल का हाफ होता है, क्योंकि इसका बेस इंटू हाइट होता है एरिया, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला तो बेस इंटू हाइट होता है, और ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया जो होगा ट्रायंगल का एरिया वो होगा हाफ इंटू बेस, और हाइट तो सेम ही होनी है, तो ये इससे आधा होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी एक बेस को लेकर ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका एरिया हमेशा और हमेशा टोटल का हाफ होता है, सात नंबर पॉइंट ये आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट, आठ नंबर पॉइंट, जो पिछले मैं चार दिन से आप लोगों को समझाते हुए आ रहा हूँ, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए खुद को, पिछले चार दिन से मैं आप लोगों को डेली जब शाम को आपका वीडियो आता है तो ये तो एक पॉइंट हमेशा और हमेशा आपके सामने आता है कि अपने पास पॉइंट नंबर आठ, ये इस प्रकार से एक रोम्बस जो है ए बी सी और डी, रोम्बस के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी, और चार ऑप्शन दे देगा वो, रोम्बस के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी, और चार ऑप्शन दे देगा कि स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, इस प्रकार से चार ऑप्शन बना सकता है। ध्यान रखना आप लोगों को पता है कैसे कर पाएंगे हम लोग, हमारा करने का तरीका ये होगा, यहाँ से एक डायगोनल खींचते हैं, इसकी लेंथ मान लो डी वन, इधर अपने पास एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डी वन बाई टू, इधर नीचे भी मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो डी वन बाई टू, और ये ट्रायंगल से मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी, पहली बात। दूसरा जो डायगोनल हम लोग अगर डी टू माने, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल तो होते हैं नहीं, दूसरा डायगोनल अगर यहाँ से हम लोग डी टू माने, दूसरा डायगोनल अगर डी टू माने, तो एक ट्राइंगल उस साइड, एक ट्राइंगल इस साइड, और ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, डी टू माना दूसरा, तो डी टू बाई टू, और यहाँ पर भी अपने पास डी टू बाई टू, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल होनी है। अब समझना आप लोग सभी लोग, एक डायगोनल जो रेड कलर में दिखा रहे हैं वो डी वन मान लो, और जो ब्लू में है वो डी टू मान लीजिए, ये याद रखना। अब इसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर या तो रेक्टेंगल हो सकता है, मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर हैं तो या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, दो ऑप्शन, ऑप्शन तो ये चार आएंगे अपने पास, एक स्क्वायर और एक ये रोम्बस, लेकिन ये दोनों तो कट गए। अब अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होने के कारण आपके दिमाग में तुरंत आएगा या तो रेक्टेंगल होगा या अपने पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इन दोनों में से क्या होगा, कैसे पता करोगे, देखिए मुझे ये बताइए, क्या अपने पास दोनों जो डायगोनल्स हैं क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, क्या दोनों जो विकर्ण हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और ये दोनों लाइन ब्लू वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल हों तो अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ऐसे ही अपने पास ये दोनों लाइन भी अगर पैरेलल हैं तो अपने पास अंतःकोणों का योग, इनका भी योग 180 डिग्री, लाइन पैरेलल है तो ये 90, तो ये 90, ऐसे ये रेड वाली भी दोनों पैरेलल हैं तो अपने पास अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, ये 90 है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90, यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण 90 डिग्री हैं तो चौथा भी अपने पास 90 डिग्री ही होना है। ध्यान रखना ऐसे ही प्रूव कर सकते हो ये 90, ऐसे ही प्रूव कर सकते हो ये 90, और ऐसे ही प्रूव कर सकते हो ये 90, अगर कोण 90 डिग्री हैं और अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, तो अपना जो आंसर होगा वो यहाँ पर रेक्टेंगल होगा, आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है,
पॉइंट नंबर 9 ध्यान रखना, 9 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, रोम्बस के अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ये इसका मिड पॉइंट है और ये अगर इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए और यहाँ से इसको मिला दिया जाए। ये अपने पास अगर मिड पॉइंट हैं, यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं और यहाँ से अगर इसको मिला दिया जाए, तो ध्यान रखना अपने पास ये जो डायगोनल होगा, ये और ये तीनों बराबर होंगे। अगर मैं नाम दूँ ए बी सी और डी, तो ध्यान रखना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ये तीनों को इसको हमेशा इक्वली तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास पॉइंट नंबर 9 के बाद जो 10 नंबर पॉइंट अपने पास, वो इस प्रकार से है। ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, ये अपने पास कोई भी रोम्बस था ए बी सी और डी, ये शेडेड पार्ट बता देगा, अंदर वाले इसके मिड पॉइंट्स हैं ओ, ओ सी का मिड पॉइंट है पी, ध्यान रखना ओ डी का मिड पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है और ओ बी का मिड पॉइंट एस है, तो शेडेड पार्ट और ये जो बचा हुआ भाग है, इसके क्षेत्रफल का रेशियो आप लोग बताइए, इसके एरिया का रेशियो आप लोग बताइए, तो आपको इसका एरिया का रेशियो खुद को बताना है, अपने आप करने की कोशिश करना। पिछले लेसन में मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो ये वाला पॉइंट आप लोग खुद करना ईमानदारी से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर लेंगे, अभी बैठ कर वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार इस चीज़ को करने की कोशिश करो। अगला पॉइंट देखिए, ये अपने पास इस प्रकार से पॉइंट है, ये यहाँ पर इस प्रकार से है। रोम्बस में ध्यान रखना आप लोग, जैसा आपको पता है कि अगला पॉइंट 11 नंबर और रोम्बस का ये लास्ट पॉइंट है, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। देखिए ध्यान रखना दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों लाइन पैरेलल हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से अगर हम लोग, ध्यान देना आप लोग सभी लोग बोर्ड पर, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो ये कोण अगर मैं थीटा मानूँ, तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा। ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो ये वाला कोण थीटा है, तो अंतर कोणों का योग 180, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और ये दोनों लाइन भी पैरेलल, तो अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा। तो मैं आपको अगला पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि रोम्बस के, याद रखना, अपोजिट एंगल इक्वल और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों का जो सम होगा वो तो अपने पास होगा 180 डिग्री, इन दोनों का जो सम होता है वो तो अपने पास होता है 180 डिग्री, इनके अपोजिट एंगल्स का अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं देखो, और ये जो एंगल्स हैं ये अपने पास होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल इक्वल और इनका सम होता है अपने पास, पास पास वाले जो दो कोण हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, आप लोग ध्यान रखना। ये देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं और फिर उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आगे अपने पास लिखा हुआ है ए बी इज एक्सटेंडेड, टू बी टू एफ एंड बी ए टू ई सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू बी एफ, ए बी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू बी एफ, देन वाट इज द रिजल्ट। यहां पर हमारे पास कहा गया है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को, वो ऑप्शन दिए हुए हैं ई डी ग्रेटर देन, इसको समझना सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, ई डी ग्रेटर देन सी एफ। बी जो ऑप्शन है वो अपने पास लिखा हुआ है ई डी परपेंडिकुलर ऑन सी एफ, ई डी परपेंडिकुलर ऑन सी एफ, ई डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, सी ऑप्शन, ई डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ई डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है ई डी पैरेलल सी एफ, ई डी जो है वो पैरेलल है सी एफ के।
अब ध्यान देना, यहाँ पर अपने पास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ देता हूँ। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, उसमें यदि ए बी को एफ तक और बी ए को ई तक इस प्रकार से बढ़ाया गया कि ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ, ये इस प्रकार से, तो निम्न में से कौन सा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या रिजल्ट क्या हो सकता है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कोशिश करना समझने की, और जैसा आप लोगों को पता है कि जैसे ही मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ उसके बाद क्वेश्चंस, तो मैं एक दो, ताकि आपके माइंड में कुछ चीज़ें अपने आप रिकॉल हों, कुछ चीज़ें याद हों, बाकी थ्योरी के बाद क्वेश्चंस, जैसे ही थ्योरी अपनी कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ इस चैनल पर। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, वापस थ्योरी पढ़ो, हमेशा के लिए ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी। पहले थ्योरी पढ़नी है साथ साथ, फिर क्वेश्चंस पढ़ने, और फिर एक बार थ्योरी को कंप्लीट रिवाइज करना है। क्वेश्चंस फिर चाहे नया आए, कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी कैसा भी आ जाए, आप लोग खुद कर पाओगे। तो ऑप्शन हम लोग रख लेते हैं, क्वेश्चन हमें याद हो गया है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी और एक समचतुर्भुज है अपने पास, इस प्रकार से ये मैं ऑप्शन भी इधर लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, ऑप्शन याद रहे आपको ईडी, क्योंकि जब भी ये पूछे कि निम्न में से कौन सा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑप्शन तो आपको लेकर चलने ही पड़ेंगे, क्योंकि आंसर तो कई हो सकते हैं। फिर अगर ऐसा हम लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन आपको ऑप्शंस तो साथ लेकर चलने ही पड़ेंगे, और ईडी पैरेलल है सी एफ के। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पर इस प्रकार से है, ये ए बी सी और डी एक रोम्बस है, इसको दोनों तरफ बढ़ाया गया, एक रोम्बस को दोनों तरफ बढ़ाया गया, और इस प्रकार से बढ़ाया गया ए बी को एफ तक और इसको ई तक, इधर एफ है और इधर ई है, ये अपना क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा है जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आप लोग हमेशा और हमेशा क्या करोगे, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, और जब नहीं आएगा मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर आपको आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोशिश करना समझने की इस प्रकार से, पहला जो ऑप्शन है ई डी ग्रेटर देन सी एफ, यहाँ से यहाँ तक ई डी जो है, ये रोम्बस था तो ये चारों बराबर होंगे, देन सी एफ, ये ई डी ग्रेटर देन सी एफ, यहाँ पर तो आपको इस डायग्राम में तो दिखाई दे रहा है ई डी ग्रेटर देन सी एफ, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो सामने की जो साइड है वो डिपेंड करेगी इस एंगल पर। ये एंगल छोटा है तो सामने की साइड छोटी, और ये एंगल बड़ा है तो सामने की साइड बड़ी, लेकिन आपको क्या पता कि एंगल बड़ा और ये एंगल छोटा होगा, डायग्राम तो अपने पास ऐसे भी तो बन सकता है इस तरफ से भी। तो अब की बार करोगे तो ये छोटी और उधर वाली बड़ी होगी, तो पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, क्या आगे बढ़ाओ इनको, इनको आगे की तरफ बढ़ाइए, क्या दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ये पॉइंट हम लोग चेक करते हैं। अगर आपको याद है क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम तो कम से कम 20 बार काम में लूँगा, अगर आपको याद है मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है तो यहाँ पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ये मैं आपको ट्रायंगल की थ्योरी में बता चुका हूँ। मैंने कहा है कि अगर इन चीज़ों का अब अच्छे से समझना है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्किल में जो भी प्रूव होगा उसकी 99% चीज़ें हमेशा और हमेशा किससे प्रूव होंगी, ट्रायंगल से। तो आप लोग ट्रायंगल का वाला वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे, नहीं देखोगे तो फिर आप लोग इनको थोड़ा सा कम समझ पाओगे। ट्रायंगल्स के वीडियो, सभी वीडियो जो 14-15 जितने भी वीडियोस मैंने 40-40 मिनट के या 42-41-39 मिनट के डाले हैं उनको आप लोग देखिए। यहाँ पर देखो ये और ये अगर बराबर है तो ये कोण अपने पास होगा 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना इसके मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन खींची जाए, चाहे यहाँ पर बराबर अगर है तो ये कोण ऑलवेज राइट एंगल होगा। तो कोशिश करना आप लोग समझने की, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे अगर मिला दिया जाए तो मुझे ये बताइए आप लोग क्या ये और ये बराबर है तो ये कोण कितने डिग्री होगा, 90, और ये स्ट्रेट लाइन है ये 90 होना है तो ये भी कितना होगा 90। समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। बराबर होते ही ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है, स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से लाइन खींची जाए जो बराबर है तो यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री। ऐसे ही इधर से अगर लाइन खींचेंगे तो देखो ये
ये और ये तीनों बराबर हैं, तो ये कोण भी अपने पास नीचे वाला जो होगा वो अपने पास होगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90, और स्क्वायर के दोनों डायगनल्स एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, ये स्ट्रेट लाइन थी, तो इधर वाला 90 डिग्री तो इधर वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है। 90 90 90, तो क्या चतुर्भुज का चौथा एंगल भी 90 होना है क्या, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अपना सेकंड ऑप्शन एकदम ठीक है, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, ये अप्रोच जो यहाँ पर मैंने बताई थी वो अप्रोच हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आप लोगों को, रोम्बस हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। ये इस प्रकार से ए बी सी और डी कोई भी रोम्बस है, ए अपने पास ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये कोई भी अपने पास समचतुर्भुज है, यहाँ से इसका मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है और इसका मिड पॉइंट एस है। पी क्यू आर और एस इसके मिड पॉइंट्स हैं, अगर इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, यहाँ से अगर हम लोग मिला दें, इसके मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दें ये वाला, और इसके मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दें, ऐसे ही हम लोग इसके मिड पॉइंट को यहाँ से हम लोग मिला दें, ये मिला दिया जाए और इसके मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दिया जाए, तो हमें कहेगा कि बताइए ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है ये टोटल का कितना भाग होगा, ये जो बीच वाला शेडेड पार्ट है ये टोटल के एरिया का कितना भाग होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार वीडियो पॉज कीजिए और करने की कोशिश करो। बीच वाले का क्षेत्रफल पूछ लिया कि टोटल का कितना भाग होगा, तो करने की अगर कोशिश की है तो अब आप लोग आइए वापस वीडियो पर आइए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये अपने पास इसका मिड पॉइंट है और ये अपने पास इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ऐसे ही ये दोनों लाइन भी अपने पास पैरेलल होंगी। और अगर आप लोगों को याद है लाइन पैरेलल हैं, कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास लाइन, अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया का रेशियो होगा, साइड का जो रेशियो होगा, छोटे वाले की साइड एक और बड़े वाले की साइड दो, तो एरिया का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:4, तो इसका क्षेत्रफल एक होता है। टोटल का अगर चार है तो इसका क्षेत्रफल होगा 3, ये आपको पता होगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस ट्रायंगल में ये और ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ये और ये दोनों अगर पैरेलल हैं, तो ये अगर एक है तो इसका क्षेत्रफल होगा 3। ऐसे ये और ये भी दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो लाइन दोनों पैरेलल होंगी, तो ये अपने पास पैरेलल होते हैं, ये मिड पॉइंट पहले से दिया हुआ है क्यू। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इसको नाम दे दो मान लो टी, इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं सी डी टी में, तो ये मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन होते हैं, ट्रायंगल का एरिया होगा ये एक माने, तो ये अपने पास होगा 3। ऐसे इधर भी आप लोग कर सकते हो, ये एक होगा तो ये 3, और ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये एक होगा तो ये अपने पास होगा 3। बाकी का ये क्वेश्चन और कई तरीके से बन सकता है, सिर्फ इसको शेडेड कर सकता है वो, इन चारों को शेडेड कर सकता है कि टोटल का एरिया बताओ। अब अपने पास अभी भी बीच वाले का भाग का क्षेत्रफल बचा हुआ है, तो बीच वाले का एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, एक काम कीजिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, ये इसको मिला दीजिए, और ऐसा आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये अपने पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर अपने पास ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसका क्षेत्रफल 1 3 4 और 1 5 अगर है, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बी एस क्यू का क्षेत्रफल भी 5 होगा, क्योंकि जो डायगनल होता है वो अपने पास एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये आपको पता होगा, यहाँ से हम लोगों ने डायगनल खींचा, तो ये अपने पास डायगनल जो है क्यू बी जो है वो इसके क्षेत्रफल को बराबर बराबर बांटेगा, तो ये अगर अपने पास 5 है तो ये भी अपने पास 5 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 1 4 और 1 ये भी 5 है, 5 5 5 और 5, तो टोटल का क्षेत्रफल तो हो गया 20, टोटल का क्षेत्रफल 20 है, और ये अपने पास 1 3 और 1, इनका क्षेत्रफल जो अपने पास 1, इनको ऐड कर लो ये 5 है, 5 ये 10, 10 और 3 और 3 6, ये टोटल हो गया 16, इनको ऐड करोगे 4 5 8 9 12 13 और अपने पास 16 अगर इसका क्षेत्रफल और टोटल का 20 है, तो बीच वाले का क्षेत्रफल होगा 4, तो अपने पास ये आंसर आ गया 1/5 और टोटल। ऐसे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, इस वाले भाग को भी शेडेड करके अपने से पूछा जा सकता है कि इस वाले भाग का जो शेडेड ब्लू कलर में है इसका, और अपने पास इस वाले भाग का जो बीच में इसका रेशियो बताओ, तो 1 1 1 और 1 4, और ये भी 4 है, तो रेशियो आ गया 1:1। इसमें और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में, अगले लेसन में, कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और लेसन को आप लोग शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और
आपको लाइक और कमेंट्स तो करने ही करने हैं, ये ध्यान रखना। तो कल इवनिंग में मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।